इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है लॉकडाउन को लेकर। जी हाँ, अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। कई राज्यों में 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगा है, सरकार की कोरोना को लेकर क्या नई गाइडलाइंस जारी की गई है और किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगने जा रहा है। क्या सभी ट्रेन बंद होने वाली है? क्या मुंबई लोकल ट्रेन बंद हो जाएंगी? और किन सभी चीजों को खोला गया है और किन सभी चीजों को बंद किया गया है? और कहां कहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है? इस प्रकार की सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगने जा रहा है। इसके अलावा 8 राज्यों में भी लॉकडाउन लगने जा रहा है। कई राज्यों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक और धारा 144 लागू हो चुका है और साथ में बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपये और थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 मार्च 2021 से लेकर 8 अप्रैल 2021 तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। औरंगाबाद के डीएम सुनील चौहान ने शनिवार को बताया कि लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली में भी कोरोना की खतरनाक हुई रफ्तार। इस साल पहली बार 24 घंटे में इतने ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में भी 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसकी तैयारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी है। दोस्तों, ये जो 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या इस लॉकडाउन में सभी ट्रेनें बंद हो रही है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चाहे वो मुंबई लोकल ट्रेन हो, चाहे वो स्पेशल ट्रेन हो या किसी भी राज्य की लोकल या स्पेशल ट्रेन हो, ये सभी ट्रेनें चलती रहेंगी। ट्रेनों को इस लॉकडाउन में बंद नहीं किया जाएगा, सभी स्पेशल लोकल पैसेंजर ट्रेन चलती रहेंगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में 28 मार्च 2021 से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए रात में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में संडे लॉकडाउन लगने जा रहा है। वहीं पर राजस्थान से लेकर गुजरात तक कई सारी चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 12 शहरों में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 11 जिलों के 12 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि इन शहरों में लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किन 12 जिलों में लॉकडाउन लगने जा रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, रतलाम, छिंदवाड़ा, खरगोन, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले में भी लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब समेत कई राज्यों में पाबंदियां रहेंगी। इसके तहत बिना मास्क के बाहर घूमने वाले लोगों पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसकी नई गाइडलाइंस शनिवार को जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में क्या क्या नई गाइडलाइंस को जारी की है। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है। सड़क पर थूकने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ निकलने पर पाबंदियां रहेंगी। सभी सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स मॉल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट और होटल से रात को भी खाने की होम डिलीवरी की जाएगी। इस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों पर रुक रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
महाराष्ट्र में शुक्रवार को 36,902 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17,019 लोग ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहां कहां पर लॉकडाउन लगने वाला है और कहां कहां पर लॉकडाउन लग चुका है और कहां कहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और किन सभी चीज़ों को खोला गया है और किन सभी चीज़ों को बंद किया गया है और क्या सभी स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। तो दोस्तों, ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया गया है, मुंबई लोकल ट्रेन भी चलती रहेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।